सो हे, आज हम ऑयल पेस्टल से इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ड्राइंग बनाने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिक आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं ड्राइंग थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कलर करना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया है लाइट ऑरेंज, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद डार्कर शेड्स के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज किया है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कॉटन बड्स का यूज कर रहा हूँ। देन उसके बाद और भी ज्यादा डार्कर शेड्स के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज किया है। सेम तरीके से हम नीचे के साइड भी कलर करेंगे। मिडिल पोर्शन में हम यहाँ पे व्हाइट कलर करेंगे और स्किन टोन को देने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर और डार्क ब्राउन का यूज कर रहा हूँ। एकदम नीचे के साइड में यहाँ पे लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन और डार्क ग्रीन का यूज करूंगा। और भी ज्यादा डार्कर शेड्स के लिए मैं यहाँ पे भी ब्लैक कलर का यूज करूंगा। साइड से पूरे पेपर में मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ, उसे भी ब्लेंड कर दूंगा कॉटन बड्स से। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अशोक का चक्र बना रहा हूँ ब्लू कलर से। ये एक्चुअली मैं बन नहीं रहा था सही से ऑयल पेस्टल के ऊपर, तो आप कोई भी पेंसिल कलर का यूज करें, वाटर कलर का बिल्कुल भी यूज ना करें। सो हमारा ड्राइंग कम्प्लीट हो चुका है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। जय हिंद।